इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पूरी दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। जल थल नभ हर जगह महिलाओं के हौसले को सल्यूट किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई से लेकर यूपी मध्य प्रदेश तक इस खास दिन पर महिलाओं का सम्मान हो रहा है। देश के तमाम रेलवे स्टेशन उनकी शान में गुलाबी रोशनी से सजे हैं। लेकिन आप सभी से एक सवाल है, क्या महिला दिवस मनाने के लिए किसी एक दिन की जरूरत है? क्या महिलाओं के साहस सम्मान और हौसले को किसी एक दिन में बांधा जा सकता है? शायद इसका जवाब है नहीं। इसलिए इंडिया टीवी ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। हमारा मानना है कि हर दिन विमेंस डे है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान या उनके लिए जश्न किसी एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये हर दिन होना चाहिए। देश की आधी आबादी और पूरी आबादी की जननी महिलाओं को 100-100 सलाम। आज देश की महिलाओं ने प्लेन से लेकर ट्रेन और ऑटो से लेकर हर चीज की कमान संभाल रखी है। इन सब में सबसे खास है सेना, जहां आज महिलाओं की धमाकेदार मौजूदगी है। सेना की तीनों विंग में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और देश के दुश्मनों को दे रही हैं करारा जवाब, वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी। हर जगह महिलाएं अपना दमखम दिखा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है तो एयरफोर्स की बहादुर बेटियों का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि इस वक्त एयरफोर्स के अहम पदों पर नारी शक्ति तैनात हो चुकी हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाना हो या फिर एयरफोर्स की टेक्निकल टीम का हिस्सा। भारतीय वायुसेना में इस वक्त कुल 1607 महिलाएं तैनात हैं और 10 महिलाएं फाइटर पायलट हैं, जो हमारी सरहद की निगरानी करती हैं। उन्हीं में से 3 फाइटर पायलट से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अमित पायलट ने। तोड़ देंगे हर पिंजरे को और उड़कर दिखाएंगे, तोड़ देंगे हर पिंजरे को और उड़कर दिखाएंगे, चाहे बिछा दो जितनी बंदिशें, दूर आसमान में अपनी पहचान बनाएंगे। जी हाँ, समाज के कुछ ऐसे ही बंधनों को और रीति रिवाज के ऐसे ही कुछ पिंजरों को तोड़कर जिन्होंने अपना नाम बनाया है, पहचान बनाया है, वैसे ही हमारे साथ कुछ हीरोज आज मौजूद हैं। ये हैं एयर वॉरियर्स और रियल लाइफ हीरोज, एयरफोर्स के पायलट्स, फाइटर पायलट्स, लेकिन महिला है, लेकिन किसी से कम नहीं है। आप सभी का स्वागत है। अंजलि, मैं आपसे इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि मोहना और भावना तो सेलिब्रिटीज़ हैं, हर कोई आप जानते हैं, क्योंकि ये भारत के पहले एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट बैच से ज्वाइन किया था, और इनको देखकर मुझे लगता है एक लंबी कतार सी लग गई है। अब तो पहले आई थिंक शुरुआत में कितने थे भावना, मोहना, कितने पायलट्स थे पहले? 3 कमीशन हुए, 3 बताना जी, तो अभी टोटल 10 हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 100 भी हो जाएंगे। लेकिन अंजलि, आप इनके बाद आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी प्रेरणा क्या ये थे या कुछ और था? ज्वाइन तो हमेशा से फाइटर्स में करना था, लेकिन जिस दिन मैंने इनके बारे में जाना कि हमारी 3 फाइटर पायलट्स हैं, जो स्ट्रीम ओपन है अब फाइटर पायलट्स के लिए, उस दिन बहुत ही खुशी का दिन था और एक तरह से लगा कि हाँ, अब हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बताइए मोहना, बताइए भावना, आप लोगों ने कितना जोश भर दिया है, कि आपको कभी महसूस होता है कि आप लोगों ने किस तरह से एक तरह रेवोल्यूशन ला दिया? जब हम यंग गर्ल्स, व्हेन वी मीट यंग गर्ल्स, छोटे बच्चों से मिलते हैं और वो जब बोलते हैं कि हमें भी पायलट बनना है, तब जरूर महसूस होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या बोलते हैं लोग आके, क्या बोलते हैं, मुझे भावना दीदी जैसा बनना है, भावना जैसा बनना है? आई थिंक जैसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो आई एम जस्ट मे बी एन एग्जाम्पल, बट जो वो जील है लोगों में कि टू बिकम लाइक समवन और टू बी समथिंग, वो बहुत ही यू नो माइंड ब्लोइंग है देखकर कि कैसे लोगों के अंदर इतना यू नो जोश है। आपने कहा कि ना जोश है, तो जोश तो डेफिनेटली है, लेकिन जैसा बोला माइंड ब्लोइंग ना, तो माइंड ब्लोइंग आप लोग तो ब्लो करते होंगे ना, जब हवा से बिल्कुल स्पीड में निकल जाते हो, कितनी स्पीड में चलाते होंगे? आप कौन सा फ्लाई करती हैं? बाइसंस। बाइसंस जी, बाइसंस। आप बाइसंस कितनी स्पीड होती है उसकी? 2500 तो होती होगी, 2000 से ज्यादा? वो बताएंगे हमारे पीआर। मैं आपको बताता हूँ, बाइसंस मतलब MiG-21 जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसकी स्पीड कम से कम आप मान के चलिए कि 2000 के आसपास तो होती होगी, जब टॉप स्पीड में जाते होंगे, मतलब हवा से बातें करने वाले सुपरसोनिक की तो होता है ना, सुपरसोनिक, गलत तो नहीं बोल रहा जी, सुपरसोनिक। तो ये बताइए कि जब आप उड़ान भरते होंगे तो कैसा फील होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है, जब आवाज़ आती है? बिल्कुल फील करने का टाइम नहीं होता, इंजन की साउंड के साथ में ही हम अपना बाकी सारी चीज़ों को बंद करके अलग कर देते हैं, बस अपने मिशन पे फोकस रखते हैं। अच्छा, घर में कभी किसी ने कुछ बोला कि नहीं बेटी क्या तुम पायलट बनने जा रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ और बन जाओ? नहीं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, मेरे पापा सर्व कर चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। अच्छा।
तो जब मैंने अपना डिसीजन बताया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला अपने घर से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई से, सबने बहुत सपोर्ट किया है। आप लकी थी, आपके फादर फोर्सेस में थे, लेकिन आप इतनी लकी थी? जी, मैं भी लकी थी, मेरे भी फादर और ग्रैंडफादर दोनों फोर्सेस में ही सर्व कर रखे हैं। एंड जब मैंने कहा था कि मेरे को फ्लाइंग में जाना है तो उन्होंने और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था इस चीज़ को। दो लोग तो लकी निकले, आप लकी थी? मैं लकी थी, कोई नहीं था इसलिए या कोई था इसलिए? हाँ, मैं कोई था नहीं था नहीं, मैं अपने फैमिली से फर्स्ट हूँ डिफेंस फोर्सेस में। एंड बट उनकी तरफ से कभी भी सपोर्ट कम नहीं हुआ। उनके लिए ये था कि आप मतलब जो करना चाहती हो वो करो, और ये ऐसा नहीं है कि आज मैं एयरफोर्स में जा रही हूँ इसलिए ये चेंज हुआ है। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने कभी भी कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसीलिए शायद मेरे को पता भी नहीं था कि यू नो ये पहली बार हो रहा है कि फ़ाइटर्स में लोग जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये था कि एयरफोर्स में जा रही हूँ, फ़ाइटर उड़ाऊँगी। तो ख्याल कैसे आया सोच सो कि आप दरभंगा से आती हैं ना, आपने टॉप गन तो नहीं देखी थी? टॉम क्रूज की है, टॉम क्रूज की फैन है? नहीं नहीं, मूवी नहीं देखी थी, बट बहुत छोटे से प्लेन तो उड़ते हुए देख ही रहे हैं। तो वो इतना छोटा सा एक ट्रायंगल दिखता था आसमान में ऐसे निकलता हुआ। एयरबेस के आसपास रहती है क्या कहीं दरभंगा? नहीं, नहीं, उतना दिमाग नहीं था तब कि ये अलग जहाज है, ये अलग जहाज है। बहुत छोटी थी तो मेरे लिए सब कुछ जेट होता था, और एयरफोर्स में को लगता था कि जेट ही उड़ाने मिलेगा। तो एयरफोर्स में अब महिला अफसरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे पायलट्स हों या फिर ग्राउंड ऑफिसर्स। हर जगह आधी आबादी कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में 2400 घंटे तैनात रहती है। मेरे सहयोगी अमित पालित की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेन इन यूनिफॉर्म, सुना भी है आपने, देखा भी है, लेकिन यह बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि अब तो नया जमाना है ना। तो वुमेन इन यूनिफॉर्म, और मेरे पीछे देखिए, एक नहीं दो नहीं यहां पर लाइन है, और ये सभी हैं हमारे एयर वॉरियर्स जो देश की रक्षा करते हैं, वायु सीमा की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नारी भी है और शक्ति भी है, तो देश को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, देश की ओर कोई टेढ़ी नज़र से देख नहीं सकता है। बात करना शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, यहीं से शुरू करता हूँ। श्वेता जी, मैम, एयरफोर्स में आना, ऑफिसर बनना, सपना देखा था या बस हो गया? सपने हर कोई इंसान देखता है, और एयरफोर्स में आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना रहा है। सो मेरा सपना एयरफोर्स में आने का एयरफोर्स के कारण ही पूरा हो पाया है, तो मैं इसलिए एयरफोर्स का धन्यवाद करती हूँ दैट इट हैज़ गिवन द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव जॉइंड इंडियन एयरफोर्स। मैम, एक बात बताइए कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैन इन यूनिफॉर्म बहुत बोला जाता है, हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन वुमेन इन यूनिफॉर्म, ये आपने सोचा था इसी वजह से आपने ज्वाइन किया? हाँ जी, सोचा था। आज की डेट में हम 13% से ज़्यादा हैं एयरफोर्स में। मेरे फादर भी आर्मी में थे, और मैंने सोचा था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगी, प्रिपेयर किया था, अप्लाई किया था, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। और आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने क्या सोचा, कि क्या देख के सोचा, कि या कुछ सोच के सोचा, देख के सोचा, या सोच लिया कि नहीं मुझे एयरफोर्स में जाना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। अच्छा, सोचा ही नहीं था, देखिए मैं बिल्कुल गलत का सोचा ही नहीं ना। बट मैंने ये सोचा था कि मैं लाइफ में कुछ ज़रूर अच्छा करूंगी। तो आई एम अ इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर फॉर्मर, एंड आई एम अ इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी। रेड कार्ड भी रखते हैं आप साथ में, कुछ भी होता तो रेड कार्ड दिखाते हैं अभी इधर। राइट नाउ इट्स नॉट देयर बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग माय प्रोफेशन। सो लेकिन लाइफ एक चीज है, फुटबॉल में भी किक है और यहाँ पर भी काम करने का किक है। Yeah, and football may be as a referee you have to take quick decisions, and in Air Force also you have to take quick decisions. Okay, okay. हमने देखिए स्पोर्ट्स से सीधा Air Force। श्रेया मैम, मैम आपने क्या सोचा था? सच बताऊं तो मैंने ये नहीं सोचा था कि, या मेरा ये सपना नहीं था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगी, बट एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद लाइफ पूरी सपने की तरह हो गई। 6 जनवरी 2020 ये वही ऐतिहासिक दिन और तारीख है जिस दिन सेना की अगर हम बात करें तो खासतौर पर यहाँ पर नॉन कमीशन्ड पदों पर भर्ती के लिए 99 महिलाओं के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई, महिलाओं की बतौर जवान भर्ती होने लगी। इस फैसले के बाद सेना में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ चुकी है। सेना का टारगेट है मिलिट्री पुलिस कैडर में महिलाओं की संख्या 20% करना। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर सेना की शान इन जाबाज महिलाओं से खास बातचीत की मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने।
आपने अक्सर ये सुना होगा कि औरत और मर्द में फ़र्क कहाँ होता है। जीत उसी की होती है जिसके हौसलों में दम होता है। आज ऐसी ही कुछ बुलंद हौसलों वाली महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके कपड़े, जिनके सिर पर ये टोपी, जिनके चेहरे पर ये मुस्कान, जिनका गर्व, जिनका शौर्य आज उनकी आंखों में चमक रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू सो मच। जब मैं जर्नलिज्म में आई तो मुझसे कई लोगों ने बोला कि ये जर्नलिज्म फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, आप आर्ट एंड कल्चर में जाते, आप HR में, हॉस्पिटैलिटी में जाते। तो आप लोग तो आर्म्ड फोर्सेस में आए, क्या आपने कभी सुना था ये? नहीं, मैंने तो नहीं सुना था। आपके परिवार की तरफ से हमेशा ये ताकत और ये साहस रहा? बिल्कुल, मेरे फैमिली मेंबर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे इंडियन आर्मी में आना है, माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। इनफैक्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स से लेके सब ने बहुत सपोर्ट किया एंड दे वर रियली हैप्पी फॉर माय डिसीजन। आपका खुद का क्या अनुभव रहा श्रेया? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बेशक से मेरा प्रोफेशनल करियर हो या फिर स्पोर्ट्स में करियर हो, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हर कदम पे हेल्प किया है। कभी आपने ये सुना मोनल कि आप क्यों आर्म्ड फोर्सेस में जा रही हैं? आप वहाँ की इस लड़ाई में शायद कॉम्बैट नहीं कर पाएंगी, क्या कभी आपने सुना कभी घर वालों से? नहीं, घर वालों के बिना सपोर्ट के तो ये चीज़ मुमकिन होती भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़ौज में आने से पहले भी मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही थी एंड सिविल में, तो वो काफ़ी आराम वाला। आप सिविल जॉब छोड़ के आपने आर्म्ड फोर्सेस चूज़ की, क्या क्या सोचा आपने? क्योंकि जो बात इस यूनिफॉर्म में और इस नौकरी में है वो और कहीं नहीं है, एंड इसीलिए एक टेबल चेयर वाली नौकरी छोड़ के हमने फ़ौज में आना प्रेफर किया है, वो इसीलिए बिकॉज वी लव चैलेंजेस। एंड अब फौज में आए हो तो अब यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और टफ तो होना ही पड़ेगा। एंड ये आज अगर मैं 14 ईयर्स अपने कंप्लीट कर रही हूँ जॉब के, तो इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट फैमिलीज सपोर्ट एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। जब हम सरहद पर लड़ाई करेंगे, जब हम ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाएंगे, तो क्या उस वक्त ये सोच हावी होती है कि हम महिलाओं को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें या आदमियों को फॉरवर्ड पोस्ट पे रखें? आई थिंक ये डिसीजन महिला और आदमी से रिलेटेड नहीं है। जो उस फॉरवर्ड पोस्ट के लिए काबिल है आप उसे रखिए, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर डिसीजन टू टेक। ये काबिलियत जेंडर बेसिस पे नहीं होती है, ये काबिलियत आपके खुद की होती है, इंडिविजुअल की होती है, और जो इंसान वो प्रूफ कर सकता है वो वहाँ रह सकता है। आपका बच्चा जो है आपका इंतज़ार कर रहा है, मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा, चैलेंजेस तो होते होंगे। चैलेंजेस तो पक्का है, बट इट इज़ मैनेजेबल, नथिंग इज़ देयर कि इट इज़ नॉट मैनेजेबल। फौज हमें ऐसे ट्रेनिंग देते हैं टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग, सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, इट कम्स इन ऑन इट्स ओन। चैलेंजेस क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से फ्रंट पर आती है? सी, हमारा ट्रेनिंग ऐसा होता है कि हमें हर एक प्रॉब्लम के हम फेस कर सकते हैं। वी आर ट्रेन्ड इन एंड मोल्डेड इन सच अ वे दैट वी डोंट हैव टू फेस इट, वी डील विद इट। एंड आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सो वे ऑफ लाइफ इट कम्स टू यू नेचुरली। डेफिनेटली एक अलग लेवल पे हम आज आ चुके हैं। आज हम देख सकते हैं कि एविएशन में वुमेन अफसर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, परमानेंट कमीशन शुरू हो गया है, फाइटर पायलट्स के तौर पे वुमेन अफसर्स आगे आ रही है, तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमने देखा है। तो हम आगे भी इसी तरीके के बदलाव की आशा करते हैं, एंड अगर हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है, जो बाहर आज की डेट में जो लड़कियां हैं जो चाहती है कि इस प्रोफेशन में आए और वो भी इस यूनिफॉर्म को पहने, वो अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करती है, अपनी लिमिट्स को लांघती है और कुछ अलग करने की एक सोच के साथ इस फील्ड में आती है, तो डेफिनेटली हम कुछ और बदलाव फ्यूचर में देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बात सच है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, ये मॉडर्न एरा है, ये 2021 का भारत है। चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें, हर कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यहीं पर रुक जाना नहीं है, आगे लगातार बढ़ते जाना है, तभी असल मायने में हम अंतर्राष्ट्रीय केवल एक दिन नहीं,
एक दिन नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर दिन मनाएंगे। कैमरामैन राहुल धियानी के साथ मीनाक्षी जोशी, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।